कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। सारे सबूतों और बयानात पर गौर करने के बाद कोर्ट रायचंद के स्टेटमेंट को खारिज करती है, क्योंकि उनके खिलाफ ना कोई सबूत है और ना ही कोई मोटिव। और जहां तक कोर्ट का मत है, कोई अपने सर पर किसी का इल्जाम नहीं ले सकता और सजा उसे ही मिलेगी जो सजा का हकदार है। और अब इसके बाद आते हैं आरोपी विधि शर्मा पर। थैंक्स टू द पुलिस फोर्स। अभी अभी कुछ नई जानकारियां प्राप्त होने के बाद इस केस ने एक नया मोड ले लिया है। इंस्पेक्टर दीपक, आप विटनेस बॉक्स में आइए। सर, विधि की गिरफ्तारी के बाद भी हमने अपनी जांच बंद नहीं की थी, क्योंकि ऐसे केसेस में सर अक्सर लड़कियां हाथों हाथ बिक जाती हैं, और गुमशुदगी के 15 घंटों के अंदर लड़की नहीं मिली तो उसका मिलना काफी मुश्किल होता है सर। इसीलिए हम लोग लगातार रूही को ढूंढ रहे थे, और रूही के साथ साथ हमें असली गुनहगार भी मिल गया सर। सर, हमारी जांच के अनुसार विधि का बयान सही था सर। इनसे कागज पे हस्ताक्षर भी धोखे से करवाए गए हैं सर। और हाँ सर, मिस्टर देव भी इनोसेंट है सर। आप विटनेस बॉक्स में आइए, अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम पद्मा है। मैंने ही विधि को रूही को रिलीज करने के लिए ऑर्डर्स पे साइन करवाए थे। अंतरराज्य कहानी प्रतियोगिता के लिए बच्चों को भेजना है, तो आप आज आ ही गई है तो साइन कर दीजिए ना प्लीज। तो ये आपके साथ गई थी? जी जज साहब, कंपटीशन के बहाने मैंने ही इसे अगवा किया था। सर, विधि से पूछताछ के दौरान हमें मालूम चला कि रूही के पास एक मोबाइल है जिसका पता किसी को भी नहीं है। अक्सर किडनैपर्स किडनैपिंग के बाद मोबाइल या तो फेंक देते हैं या तो ऐसी जगह छुपा देते हैं जिससे पुलिस मिसगाइड हो जाए, लेकिन संजोग से वो मोबाइल रूही ने अपने पास छिपा कर रखा हुआ था। हमने लोकेशन ट्रेस की और हमें लोकेशन मिल गई सर। सर, हमारा लक अच्छा था कि हमें दोनों मिल गए। कोर्ट देवरायचंद और विधि शर्मा को बाइज्जत बरी करती है। साहब, मेरे पास शब्द ही नहीं है आपका धन्यवाद अदा करने के लिए। आपने ये जो किया है देव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा बेटा,
तेरी माँ को फोन करके बता दूं। हेलो, हाँ विमला, दिए जलाओ विमला, दिए। जज ने सारे इल्जाम हटा दिए विधि के ऊपर से। विधि छुप गई, विधि छुप गई। वो बच्ची जो गुम गई थी ना, वो मिल गई है। और देव सर? हाँ, देव साहब भी, उनको भी बरी कर दिया। हेलो, हाँ सत्यवती आंटी। अरे आप मिठाई बांटना शुरू कर दीजिए। It's finally over now. Yeah, congrats. जी जी जी।